खबर शामिल करते हैं पटीदन से। हमारे एसटीएन के रिपोर्टर मोहम्मद सलीम सुमरो की रिपोर्ट के मुताबिक पटीदन समेत नौशहरफरोज जिला खैरपुर के करीबी इलाकों में 6 माह से बारिश और सैलाब के पानी की निकासी न होने मुतासिन को राशन और सर्दी में कपड़े न मिलने पर दावत इस्लामी के फलाही इदारे FGRF ने भरपूर तरीके से बारिश और सैलाब मुतासिन की मदद शुरू कर दी है। भंगू बिहन के मुतहद गाँव में FGRF की जानिब से हज़ारों बैग राशन कपड़े, गर्म कपड़े और कंबल और दीगर अशिया बारिश सैलाब मुतासिन में तकसीम की, जबकि जरी ज़मीनों और रिहायशी इलाकों से पानी निकालने के लिए दर्जनों हैवी मशीनरी, पंप और जनरेटर भी लगाकर पानी निकालने का काम शुरू कर दिया है, जो तेज़ी से जारी है। FGRF के रजाकार हाजी मोहम्मद गुलफाम अत्तारी ने सहाफ़ियों को बताया कि हम भूले नहीं, सैकड़ों राशन बैग कंबल लेकर मुतासिन के पास पहुँचे हैं। दूसरी जानिब सैलाबी पानी की निकासी के लिए करोड़ों रुपये की लागत से हैवी मशीनरी भी लगाई गई है, पानी निकालने का काम भी शुरू कर दिया और पानी की मुकम्मल नकासी आप तक रिलीफ काम जारी रहेगा। FGRF मुतासिन को तनहा नहीं छोड़ेगी। आज बरोजे एतवार 29 जनवरी अल्लाह करीम के करम से जिला खैरपुर से मुत्तसिल भंगू बहन के अंदर हम गर्म कपड़े, रजाइयां और राशन लेके आए। आशिकान रसूल को आप देख रहे हैं, हज़ारों की तादाद के अंदर ये आशिकान रसूल की हेल्प करने के सिलसिले में FGRF मुसलसल कोशिश कर रही है। सबको हाजी बना दे, लाला पाक इन सबको रोजा रखने वाला बना दे, या अल्लाह इन्हें ज़कात देने वाला बना दे।